डियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइक रिसर्च पेपर रिगार्डिंग स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स और उसमें आप लोगों ने पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कशन की देन इम्पेरिकल डिस्कशन की हो यू कैन डिटेक्ट द फाइंडिंग्स देन लास्ट स्टेप पे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू समिसर्च फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पेरिकल नेचर फिर हम उसको पॉलिसी मेकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करें द नेक्स्ट स्टेप इज टू लाइक डिस्कस

Uh, I want to share with you some of the like other variable those are impacting on the uh, like disease. Uh, if they are increasing or they are decreasing, if they are like some like uh, geographical factor, jo alternate yes, there is the role of uh, institution in spread of dengue. There is the role of uh, per capita income in spread of dengue. There is the impact of geographical location, whether someone is uh, लिविंग नियर द मेन रोड आर दे आर लाइक अवे फ्रॉम द मेन रोड दे आर लिविंग इन स्माल सिटीज दे आर लिविंग इन लार्ज सिटीज आर बिग सिटीज उसकी बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं तो उसमें उसी रिसर्च पेपर में कुछ मैं फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें एक वराइटी ऑफ इंडिकेटर एंड वराइटी डी स्टूडेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ द डेटा कि किस टाइप की वो मूवमेंट हो रही है डेंगू के केसेस कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और कहाँ पे डेंगू के केसेस डिक्रीज हो रहे हैं उसको आपने डिस्कस किया और उसमें आपने ये भी देखा कि यस एक जगह पे अगर डेंगू है तो उसके नेबर में भी डेंगू है एक जगह पे वो सेफ्टी है तो दूसरे उसके नेबर में भी सेफ्टी है अगर एक जगह पे रेड नंबर है तो दूसरा उसके नेबर में भी रेड है एक येलो है तो उसके नेबर में भी येलो है और एक अगर लाइक वो है आपका ब्राउन तो उसका जो नेबरहुड है वो भी ब्राउन है तो इसलिए नेबरहुड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेम पैटर्न यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एज अ रिवर डिस्टेंस चेंज होने से अगेन इंटेंसिटी चेंज हो रही है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो वो है रेड है उसके नेबर में भी रेड है जो लाइट कलर है उसके नेबर में भी लाइट है और इसी तरह आप इसको डिफरेंट वेरिएबल के साथ इफ यू आर लाइक हेयर नंबर on पापुलेशन डेंसिटी विच इज़ इन lower लेफ्ट पैनल और उसमें पापुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या रोल प्ले करती है यस yes, आप इसमें देख रहे हैं कि पापुलेशन डेंसिटी जो लो है वो उसके नेबर में भी लो है और जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है उनके नेबर में भी हाई है और जहाँ पर लाइक दिस नंबर इज़ ऑन एवरेज तो एवरेज का क्या है ये कुछ स्कैटर्ड हैं कुछ लोअर जोन में है कुछ मिड जोन में है और कुछ अपर जोन में है इन द सेम पैटर्न यू हैव द एलिवेशन और इसमें बी अगेन यू हैव द लाइक नंबर ऑफ रेड एंड द हैविंग द रेड इफ द नंबर इज लाइट कलर द नेबर इज आल्सो द लाइट तो इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि इसी तरह आप लोग अगर इकोनॉमिक की कोई भी स्टडी कोई भी थेरी को अप्लाई करते हैं इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर कैपिटल इनकम तो आपको जिनकी पर कैपिटल इनकम हाई है उनके नेबर की भी हाई होगी अगर आप हाई एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो जिन डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट हाई होगा उनके नेबर का भी हाई होगा और जिन डिस्ट्रिक्ट की पर वो आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उनके नेबर में भी ज़्यादा होगी जिन डिस्ट्रिक्ट में लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करते हैं उनके नेबर में भी ज़्यादा होंगे और जहाँ पर सर्विसेज में ज़्यादा काम करते हैं उनके नेबर में भी ये होंगे इसलिए स्पेशल एनालिसिस हमें इसमें हेल्प करेगी कि हम किस तरह इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन में पॉलिसी मेकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं